जैसे किसी पक्षी की उड़ान के लिए उसकी पंख की इम्पोर्टेंस होती है, जैसे किसी म्यूजिक के लिए उसके सुर और ताल की इम्पोर्टेंस होती है, कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में मेरे घुंघरू की है। मैं विधि जयपुर 2011 में आई थी, जब मेरे पापा का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया था। वैसे तो बचपन से ही मुझे नाचने का, या ये बोलूँ कमर मटकाने का बड़ा ही शौक था, लेकिन घुंघरू से मेरी पहली मुलाकात मेरी नानी की वजह से हुई। कैसे? मैं तो शायद 6th स्टैंडर्ड में होंगी जब मेरी नानी ने पहली बार मेरी माँ से कहा कि इसके हाथ पर बहुत सुंदर चलते हैं, इसको इंडियन क्लासिकल में जाना चाहिए, इसको कथक क्लास भेज और एक अच्छे गुरु से शिक्षा दें। ये बताना मैं शायद भूल गई आपको कि हमारी फैमिली में ऑलमोस्ट सभी को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या ऐसे ही आर्ट फॉर्म्स की कुछ से कुछ नॉलेज तो ज़रूर है। मेरी नानी ने तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को सालों तक सीखा और पढ़ा है। यही नहीं, मेरी माँ ने भी 3 साल तक लखनऊ घराने से कथक को सीखा था। नानी की ये बात सुन के जितनी खुश माँ थी उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं थी कि मैं फाइनली प्रोफेशनली डांस सीखने वाली हूँ। इतनी खुशी शायद मेरे चेहरे पे कभी नहीं दिखी होगी। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था मानो। तो बस मैं उसी वक्त से लग गई गूगल पे एक से एक अच्छे से अच्छे कथक इंस्टीट्यूट सर्च करने। इतना ज़्यादा डेडिकेशन तो मैंने आज तक किसी काम को लेकर नहीं दिखाया होगा जितना उस दिन दिखाया था। और तब मुझे नेट पर दिखा इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस एंड म्यूजिक जयपुर, और यहाँ से शुरुआत हुई मेरी कथक की जर्नी की, जिससे मुझे ना सिर्फ डांस और म्यूजिक बल्कि अपने घुंघरू से भी बेहद प्यार हो गया। हम इंडियन क्लासिकल डांसर्स अपने घुंघरुओं के लिए बहुत पोसेसिव हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं और हमारे मन में और लाइफ में इनकी एक बहुत ही स्पेशल जगह होती है। मुझे लगता है कि लोगों के मन में कई बार कथक या इंडियन क्लासिकल को लेके एक अलग ही इमेज बनी होती है कि एक बहुत बोरिंग, सीरियस, टाइम कंज्यूमिंग आर्ट फॉर्म है, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं। फॉर मी कथक इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ डांस जिसमें डिवोशन है, नॉट जस्ट टू गॉड बट अपने गुरु के लिए भी। इट इज़ अ पीस फॉर मी, और मेरे अकॉर्डिंग एक डांस फॉर्म को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए सीरियस होना तो ज़रूरी ही है। ये तो हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या क्लासिकल म्यूजिक किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए एक बहुत अच्छा पीस होता है। एंड आई एम ग्लैड कि मेरी नानी के कारण मैं इस आर्ट फॉर्म से इंट्रोड्यूस हुई। कथक से मुझे न सिर्फ अंग संचालन या भाव की नॉलेज हुई बल्कि हमारे पूरे डांस और म्यूजिक कल्चर की बहुत सारी बारीकियाँ पता चली। हम सभी में कुछ ना कुछ स्किल्स या बोले हॉबीज, इंटरेस्ट तो होती है। मेरे लिए डांस मेरा पैशन है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, सबसे ज़्यादा फ्री फील करती हूँ। 7 साल मैंने मेरी गुरु श्रीमती श्वेता गर्ग मैम के अंडर इसकी ट्रेनिंग ली थी, और इन 7 सालों में मेरी एक एक परफॉर्मेंस से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। ज़रूरी नहीं कि आपका पैशन ना आपका करियर हो, हाँ कुछ ऐसा ही केस मेरा भी है। अभी फ्यूचर चाहे जो भी हो, बट फॉर मी डांस इज समथिंग जो चाहकर भी मेरे मन से नहीं निकल सकता। हाँ माना कि मैंने अभी कथक से बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक लिया है, पर यह भी मैं जानती हूँ कि बहुत जल्द ही मैं अपने घुंघरुओं से, अपनी फेवरेट आर्ट फॉर्म से फिर से अच्छे से मुलाकात करूँगी और फिर से स्टेज पे थिरकती हुई घुंघरू की आवाज़ से मेरे मन को तसल्ली मिलेगी। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। कहने को तो मैं इस पर पूरा दिन बात कर सकती हूँ, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और पॉडकास्ट में।